हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे घुटनों के दर्द के बारे में। लेकिन हम जिस घुटनों के दर्द के बारे में बात करेंगे वो घुटनों का दर्द है यंग एज के लोगों के बारे में। यदि आप यूथ हैं, 20 से 21 साल की आपकी उम्र है और आपके घुटनों में दर्द हो रहा है और इतना दर्द हो रहा है कि आपको पैर मोड़ने में भी परेशानी होती है, तो फिर इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और इसके उपचार के लिए आप क्या उपाय अपना सकते हैं। तो दोस्तों, युवावस्था के दौरान इस तरह की समस्या हो सकती है, इसके लिए सही इलाज जरूरी होता है और इसके लिए हमें यह जानना जरूरी होता है कि इसके पीछे की सही वजह क्या है। दरअसल होता क्या है कि युवावस्था में मांसपेशियों की अपनी जगह से खिसकने या असंतुलित हो जाने के कारण इस तरह की परेशानी हो सकती है। घुटनों की कटोरी के पीछे स्थित कार्टिलेज नरम हो जाने से यह समस्या होती है, जिसे चिकित्सीय भाषा में कोंड्रोमलेशिया कहते हैं। यह युवावस्था में, खासतौर पर एथलीट में, बहुत सामान्य होती है। अधिकतर लोग इसे ऑर्थराइटिस या गठिया रोग समझने की भूल कर बैठते हैं, लेकिन कोंड्रोमलेशिया के कारण आपको पैर मोड़ने पर दर्द और सीधा करने पर आराम महसूस होता है। इसमें कभी कभी घुटनों में चटकने की आवाज़ भी आ सकती है। यह बीमारी सामान्य दवाओं और व्यायाम के द्वारा ठीक की जा सकती है। सबसे पहले किसी चिकित्सक की सलाह लें, यानी किसी डॉक्टर की सलाह लें। नीचे बैठना, घुटनों को मोड़कर पालथी मारकर ना बैठें। नियमित रूप से डॉक्टर द्वारा सुझाए व्यायाम करें। 3 से 4 हफ्तों में आपको आराम मिलने लगेगा। कुछ दिनों तक, जो भी यदि आप एथलीट हैं तो आप उससे दूर रहें और अपनी डाइट में कैल्शियम युक्त पदार्थों की मात्रा बढ़ा दें, क्योंकि कैल्शियम जो होती है हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो दोस्तों, यह थी छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके।